मुकुट भी धारण कराया गया है। गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई समेत पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 दिन तक चलने वाली पूजा को शांतिपूर्वक बनाने के लिए शासन प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आपको बता दें कि आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश चतुर्थी के दिन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से सारे जो गणपति मंदिर हैं वो गुंजायमान हैं। और मुंबई से ये तस्वीरें आ रही हैं लाल बाग का राजा, जो एक अपने आप में बहुत मशहूर गणपति हैं और उनकी दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। दूर दराज से लोग लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुँचते हैं। बहुत ऊंची, बहुत लंबी गणपति की ये प्रतिमा होती है जो बेहद आकर्षक होती है और तस्वीरों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों को इस त्यौहार को लेकर है। और इसी के साथ फिल्मी सितारे भी बढ़ चढ़ कर इस त्यौहार में हिस्सा लेते हैं, गणपति भगवान की स्थापना अपने घरों में करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो पुख्ता कर दी जाती है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस बार जो लाल बाग का राजा है उसकी थीम चंद्रयान 2 रखी गई है, जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं। और आज ये बेहद अहम दिन भी है क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा के चौथे कक्षा से निकलकर पांचवें में प्रवेश कर जाएगा और इसी के साथ आज गणेश चतुर्थी का भी दिन है, अपने आप में खास हो जाता है। ये जो थीम यहाँ पर लाल बाग के राजा की बनाई गई है, तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई से, ये तस्वीरें हैं। अल सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के साथ साथ जयपुर में भी अच्छी खासी धूम गणेश चतुर्थी को लेकर देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी को विघ्नहर्ता चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सुबह शाम भगवान गणेश की आरती होती है और देश के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें वाराणसी से सामने आई हैं, तस्वीरें चेन्नई से हैं, तस्वीरें पिंक सिटी जयपुर से भी सामने आई हैं, बेंगलुरु से भी तस्वीरें सामने आई हैं, हैदराबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और हमारे अलग अलग सहयोगी प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं और उदयपुर से अविनाश जुड़े हुए हैं, अजमेर से मनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार राजधानी का रुख कर लेते हैं। दीपक, अल सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, उत्साह इसलिए है क्योंकि आज भगवान श्री गणेश का जन्म उत्सव है और इस जन्म उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए छोटी काशी के अंदर घरों से लेकर मंदिरों तक धूम मची हुई है और ये उत्सव है 29 कह सकते हैं अगस्त से शुरू हो चुका था। पुष्य नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र पर भगवान श्री गणेश को 1.25 लाख मोदकों की झांकी सजाई गई थी। भगवान श्री गणेश का मंदिर यानी कि मोती डूंगरी प्रथम पूज्य है और मोती डूंगरी की जब बात आती है तो यहाँ पर हर बुधवार को मेला भरता है और हर बुधवार के साथ आज जब गणेश चतुर्थी का दिन है तो स्वाभाविक है कि आज यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 6 यहाँ पर एंट्री गेट बनाए गए हैं जहाँ पर जो भक्त है त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर तख्तेशाही रोड और कह सकते हैं कि JDS सर्किल और इधर से MD रोड है जो कि अलग अलग लाइनों में कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर मंदिर की चौखट तक पहुँच रहे हैं, भगवान श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, विघ्नकर्ता की स्थापना की जा रही है। छोटी काशी के अंदर सिद्धि विनायक मंदिर के यदि हम जयपुर की हम बात करते हैं तो सिद्धि विनायक ऐसा मंदिर है सबसे पहले जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। इसके अलावा मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करते हैं तो 1721 ईस्वी के अंदर इस मंदिर की यहाँ पर इस मूर्ति को लाया गया, मालवी से स्थापना की गई और मोती डूंगरी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये डूंगरी के ऊपर स्थित है यानी कि मोती के आकार की जो डूंगरी है इसलिए यहाँ स्थित है, इसलिए इसका नाम मोती डूंगरी रखा गया। इसके पास ही बिरला मंदिर है
अनुमान यानी माना जाता है कि रात देर रात से और अभी तक के जो लाखों की तादाद में जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, और ये अवतरित ये जो सिलसिला है वो रात को 10 से 11 बजे तक चलता रहेगा। सवा 11 बजे यहाँ पर पूजन किया जाएगा, और ये आप कतारें दूर तक देख पा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन संजय दिखाएंगे कि जो कतारें देख पा रहे हैं ये एंट्री की है, और थोड़ा सा ऊंचाई से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ तक निकाय हैं वहाँ तक भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं है। हालांकि पहला वर्किंग डे है सप्ताह का, इसलिए थोड़ी सी जो भक्तों की संख्या है उसमें काफी कमी है। हालांकि कलेक्टर की ओर से हर गणेश चतुर्थी बिल्कुल, क्योंकि 10 दिन तक ये गणेश चतुर्थी का उत्सव चलता है दीपक, और फिर इसी तरह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगभग हर मंदिर में देखने को मिलती है। एक बार अविनाश का रुख कर लेते हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, उदयपुर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कितना उत्साह गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वही उत्साह जो आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में देखने को मिल रहा है गणेश चतुर्थी के पर्व का, वही उत्साह उदयपुर में देखने को मिल रहा है। और मैं बोहरा गणेश जी मंदिर में खड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर की विशेषता है कि पूर्व काल में कभी बोहरा गणेश जी यहाँ पे अपने भक्तों को पैसे उधार दिया करते थे और उनका दुख दूर किया करते थे, यही कारण है कि इनका नाम बोहरा गणेश जी पड़ा। और आज वही कारण है कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अल सुबह से यहाँ पे भक्तों की कतारें लगी हुई है, और अभी भी आप देख सकते हैं जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनके हाथ में गणेश जी के प्रिय मोदक लड्डू जो है वो उनके हाथ में, उनके ध्रुवा उनको चढ़ा के और पूजा कर रहे हैं। मैं बोहरा गणेश जी के दर्शन कराऊंगा आज, क्योंकि विशेष दिन है। बोहरा गणेश जी को आज विशेष श्रृंगार यहाँ पे धारण कराया जाएगा, सोने की आंगी जो है वो धारण कराई जाएगी, और वो उसके क्रम जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो स्वर्ण आंगी जो है उसके धारण कराने का क्रम जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत ही एक मनमोहक श्रृंगार यहाँ पे आज बोहरा गणेश जी को धारण किया जाएगा। पूरे दिन इसी तरह से यहाँ पे भक्तों की कतारें लगी हुई रहेगी, और भक्त यहाँ पे आके अपने जो प्रथम पूज्य देव है, अपने आराध्य देव जो है, उनकी यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, बेहद मनमोहक तस्वीर यहाँ पर गणपति बप्पा की नजर आ रही है, और आपके जरिए तमाम दर्शक भी यहाँ पर बोहरा गणपति के दर्शन कर पा रहे हैं। अविनाश लगातार बने रहिए, कोटा का एक बार दोबारा रुख कर लेते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल जुड़े हुए हैं। हिमांशु, खड़े गणेश जी मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, जरा वहां पर जो भक्त पहुंचे हैं अगर संभव हो तो बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए, और बताइए किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह लोगों में है। बिल्कुल जैसमिन, देखिए उन भक्तों से तो बात करेंगे ही, लेकिन आज जो दिन है वो खास है, क्योंकि कोटा के जो विनायक है उस दरबार में भक्तों की जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है, और जो कोटा एजुकेशन हब है, और यहाँ पर इन गणपति को विद्यार्थी के विनायक भी कहा जाता है। दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन ये श्रद्धालुओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। भगवान गणपति के जो दर्शन है वो भी हम यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि ये प्रतिमा बहुत खास है, अद्भुत है, और दर्शन मात्र से ही कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी कर हो जाती हैं, और इनकी जो महिमा है वो भी अपरंपार है। तो आज का दिन जब खास है तो गणपति के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, इन्हें विद्यार्थी के विनायक भी कहा जाता है। कितनी मान्यता है यहाँ की, और आज के दिन में क्या मानते हैं यहाँ की मान्यता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे खड़े गणेश जी के पे आते हैं लोग, ठीक है, यहाँ आपकी बहुत मान्यता है। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मैं कुनाड़ी से पैदल आया हूँ यहाँ पे, बहुत दिल में बहुत आस्था है भगवान। क्या कहेंगे सर गणेश? गणेश जी की ये प्राचीन मूर्ति है, और ये अभी अभी पानी का थोड़ा ये हुआ है, बाकी ये गले गले तक पानी हुआ करता था इसमें, फिर भी दर्शनार्थी दर्शन करने आया करते थे, और ये सबसे पुराने प्राचीन हैं, जमीन में से निकले हैं, और उसके बाद में इनकी आज पूजा और अर्चना हो रही है। और खड़े गणेश जी एक मात्र एक ही स्थान है जो खड़े गणेश जी हैं, बाकी और जो है वो जी क्या। तो कुल मिलाकर के जी तो ये बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर इस प्राचीन गणेश मूर्ति के दर्शन हमने भी और हमारे प्रिय दर्शकों ने भी आपके जरिए किए हैं। एक बार अजमेर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी मनवीर वहां से जुड़े हुए हैं। मनवीर, कैसी तस्वीरें अजमेर से सामने आ रही हैं, कितना उत्साह अजमेर के लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर है?
देखिए गणेश चतुर्थी का दिन है तो अपने आप में खास हो जाता है। मैं दर्शकों के बीच से हटना चाहूँगा और सबसे पहले दर्शन करवाना चाहूँगा जो प्राचीन आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर है वहाँ के गणेश भगवान के। ये नगर आराध्य कहलाए जाते हैं और यही वजह है कि सुबह से ही जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर 3100 सुपारियों के साथ में भगवान श्री गणेश का यहाँ पर श्रृंगार होगा और विशेष पूजा अर्चना होगी। उसके साथ दोपहर 12 बजे यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। जैस्मीन नगर अजमेर की हम बात करते हैं तो अजमेर में लगभग 150 से अधिक गणेश पांडालों की स्थापना आज की जानी है और दोपहर 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:40 तक ये जो गणेश पांडालों की स्थापना का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। सबसे खास आकर्षण होगा जो आनासागर जेटी है वहां पर पर्यावरण गणेश की स्थापना की जाएगी। जिस तरीके से गणेश प्रतिमाओं को घरों में स्थापित करने का दौर शुरू हुआ उसके साथ साथ गणेश पांडालों की स्थापना का दौर शुरू हुआ उस दौर के अंदर एक बड़ी जो पर्यावरण को लेकर के नुकसान वाली बात सामने आई कि लोगों ने जो ऐसी वस्तुओं से बने हुए गणेश थे जो कि हानिकारक होते हैं, खासतौर पर उल्लेख करना चाहेंगे POP की, POP के माध्यम से बनी हुई जो गणेश प्रतिमाएं हैं उनकी विसर्जन में कठिनाई होती है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और यही वजह है कि अजमेर में आनासागर जेटी पर पर्यावरण गणेश जो कि मिट्टी और गोबर से बने हुए गणेश भगवान हैं उनकी प्रतिमा को स्थापित करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आगामी 10 दिनों तक ये उत्साह हमको अजमेर में ऐसे ही देखने को मिलेगा। स्थान स्थान पर गणेश पांडालों की स्थापना होगी, घर घर में गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ आने वाले 10 दिन में अच्छी खासी रौनक बाजारों में भी देखने को मिलेगी और इन पंडालों पर भी लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी होंगी तो ये नजारा अपने आप में बड़ा मनमोहक होगा, बड़ी चहल पहल रहेगी पूरे देश भर में। जोधपुर का एक बार रुख कर लेते हैं सहयोगी अरुण, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जोधपुर में किस गणेश मंदिर पर इस वक्त आप मौजूद हैं और कितना उत्साह, क्या नजारा वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल जासिन, हम लोग जोधपुर के सबसे प्राचीन रातनाड़ा गणेश मंदिर में खड़े हैं। ये वो गणेश मंदिर है जहाँ की करीब 500 साल पुराना इतिहास रहा है और यहाँ तमाम मारवाड़ के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, पुजारी जी साथ हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह के आपके मंदिर की क्या विशेषताएँ हैं? मैं पुजारी महेश अबोटी रातनाड़ा गजानन जी के मंदिर से। आज गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया गया है और भक्तों की लाइनें लगी हुई है, एक साइड से लेडीज़ के दर्शन करवा रहे हैं, एक साइड से पुरुष के दर्शन करवा रहे हैं। पुलिस की पूरी सुरक्षा की हुई है, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप सिविल वस्त्रों में जो है परिवार के सदस्य है वो महिलाओं के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ सुबह से काम कर रहे हैं? सुबह से हम लोग महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन बनी हुई है तो महिलाओं को आगे व्यवस्थित हम लोग कंटिन्यू के भाई भीड़ नहीं रहे पीछे, उनको आगे जो भी है आगे शिफ्ट करते हैं। भक्त है हमारे साथ, उनसे जानते हैं किस तरह से आप लंबे समय से इस मंदिर में आते हैं, क्या मानते हैं आप? मैं यहाँ जन्म से आ रहा हूँ, जो तुम्हें कोई भी शुभ काम करो, नई गाड़ी लो, नई लाडी लो, सबसे पहले राताना गजानन जी के मंदिर आना पड़ता है। कोई भी धार्मिक यात्रा हो तो सबसे पहले यहाँ धोख लगे जाती है। युवाओं का बहुत ज्यादा क्रेज है, युवाओं को अच्छी नौकरी और अच्छी छोकरी है गजानन जी देते हैं। वैसे हर मामले में गजानन जी को सबसे पहले मनाना बहुत ही जरूरी है। तो जासमीन, किस तरह से लोगों की आस्था का केंद्र है रातानाड़ा गणेश मंदिर, कुछ लोग और है, किस तरह से आप मंदिर को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं करते हैं? यहाँ हम कम से कम महीने 15-20 दिन में हम यहाँ व्यवस्था शुरू कर देते हैं, महिलाओं के अलग से व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर यानी तैयारियाँ पहले से शुरू हो जाती हैं और धूमधाम से गणपति उत्सव का दिन मनाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान को कहा जाता है। आस्था का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है इस वक्त और तमाम सहयोगी हमारी जानकारियां हमें दे रहे थे, दीपक, अविनाश, मनवीर, हिमांशु और अरुण, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए और इतने अच्छे भगवान गणपति के दर्शन कराने के लिए। और चलिए अब रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में प्रदेश की तमाम खबरों का।